नमस्ते दोस्तों, उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत मजे में हैं और बहुत बढ़िया हैं और बहुत स्वस्थ हैं। आज हम बात करने वाले हैं फसाई लाइसेंस के बारे में। अगर आप भी इंडिया में किसी भी तरह का फूड रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं तो फूड डिपार्टमेंट से आपको फसाई फूड लाइसेंस लेना जरूरी है। फूड लाइसेंस ये निर्धारित करता है कि आपके द्वारा बनाया गया खाना, जो भी फूड प्रोडक्ट है, वो फसाई के पैरामीटर्स के अनुरूप है या नहीं। देश में सभी बिजनेस ऑपरेटर्स को फूड लाइसेंस देने का काम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है। फसाई का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर्स के विषलियों एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फूड प्रोडक्ट्स से उन्हें बचाना। फसाई को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एस्टैब्लिश किया है। अब फूड लाइसेंस लेना क्यों जरूरी होता है? दोस्तों, अगर हम भी किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे तो हम भी ये मानना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि वहाँ का खाना अच्छा है, सेहतमंद है, साफ है। फूड लाइसेंस ये सुनिश्चित करता है कि हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स जो भी फूड प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेच रहे हैं वो फसाई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं। फसाई ये जांच करता है कि ग्राहकों तक जो भी खाद्य पदार्थ यानी फूड प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं उसमें किसी भी तरह की मिलावट नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं कि फसाई का काम है फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की जांच करना। बिजनेस के एनुअल टेकओवर के बेसिस पे फसाई 3 तरह के लाइसेंसेस मुहैया कराता है। पहला बेसिक रजिस्ट्रेशन, जिनका एनुअल टर्नओवर अगर 12 लाख से कम है तो बेसिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देन वी हैव स्टेट लाइसेंस। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ है तो स्टेट लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपके बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है तो सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। फसाई लाइसेंस लेने के फायदे भी बहुत सारे हैं। अगर आप एक वैलिड फूड लाइसेंस लेते हैं तो आप अपने बिजनेस और फूड प्रोडक्ट्स का भरोसा बढ़ा सकते हैं। कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट पे विश्वास करेंगे, आप पे ट्रस्ट करेंगे। फसाई लाइसेंस फूड की सेफ्टी को सुनिश्चित करता है। फसाई लाइसेंस ये इंश्योर करता है कि लोगों को अच्छा खान पान मिले। अगर आप अपने फूड प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फसाई लाइसेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिजनेस की ग्रोथ और एक्सपेंशन में फसाई लाइसेंस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फसाई लाइसेंस के बेनिफिट्स जानने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप ये फूड लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आपको क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिना फसाई लाइसेंस या बिना वैलिड रजिस्ट्रेशन के आप अपने खाद्य पदार्थ यानी फूड प्रोडक्ट्स पर फसाई मार्क या लोगो यूज नहीं कर सकते। अगर आप फसाई लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आपके कस्टमर्स आपके फूड प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, आज के इस दौर में कस्टमर्स अवेयर हैं, एम्पावर्ड हैं और एजुकेटेड हैं, वो हर चीज़ को नोटिस करते हैं। तो अगर आप फसाई लाइसेंस नहीं लेते हैं तो आप बहुत सारे अवसर ऐसे गवा देंगे, जैसे कि आप किसी टेंडर के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे और ना ही गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किए गए किसी भी इवेंट में भाग ले सकेंगे। फसाई लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो कि बढ़ना चाहिए, तो जानते हैं कि उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। यू नीड अ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, कंप्लीटेड एंड साइंड फॉर्म बी, फूड कैटेगरी की लिस्ट, वाटर टेस्ट रिपोर्ट, अ कॉपी ऑफ द प्रूफ of possession of the premise such as rent agreement, plan of food safety management system, list of the machinery and equipment and other small documents. अब दोस्तों, इतना तो आप समझ गए होंगे कि फूड लाइसेंस को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो अगर आप फूड लाइसेंस लेना चाहते हैं या फूड लाइसेंस से अन्य कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। वो कैसे? नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। इसके अलावा अगर आपको किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए या कुछ भी अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड वी विल गेट बैक टू यू विद अ वीडियो और अ कॉल। इसके साथ साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हम जल्दी लौटेंगे एक और वीडियो के साथ। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय।